सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों है ना आपको 5238 न्यूटन है ना, फोर्स की मेजरमेंट है 5238 न्यूटन। अब आपको बताना है कि इस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिंपल से भाई चार डिजिट दिख रही है आपको इस केस में, तो इस केस में 5238 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 5238 चारों है वो नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, फोर। पहला रूल था हमारा कि आर नॉन जीरो डिजिट्स, आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके भाई। दूसरा है 4200, 4200 के जी मास मेजर किया गया है 4200 के जी, 4200, ओके। तो इस केस में देखिए, तो देखो इस केस में भाई आपको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा आपको इसको, या फिर आपको इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन लिखना पड़ेगा। देखो 4.200, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.200 इंटू 10^3, ठीक है। देखो ये पावर में लिख लेते हैं, ठीक है, 4200। इस केस में क्या होगा 4.200 10^3 के जी लिख सकते हैं, ये क्या साइंटिफिक डिनोटेशन है ना, पावर में लिखना। तो इस केस में अगर देखे तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद नंबर के जो पावर होती है 10 को, इनको तो हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, ठीक है। अब बात बची 4.200, तो भाई देखो 4 और 2 ये तो क्या होगी नॉन जीरो डिजिट, कन्फर्मली क्या है सिग्निफिकेंट है। अब ये तो जीरो है, ये क्या है पॉइंट के बाद है ना, 2 जीरो है, ये क्या है पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, तो ये भी क्या होगी सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला है जो आपको नंबर गिवन है 34.000, ठीक है 34.000। तो इस केस में देखो लग रहा है आपको कि पॉइंट के बाद डेसिमल है और कोई नॉन जीरो भी नहीं है, 34.000, ठीक है, इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट भी नहीं है, तो ये क्या होंगे इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और वैसे भी 7 को 7 लिखो जी, 7.0 लिखो है ना, 7.00 लिखो, एक बात समझते हैं। लेकिन नहीं भाई, ये जो पॉइंट के बाद 3 जीरो है ये आपको क्या दिखा रही है कि मेजरमेंट का प्रिसिशन कितना है ना, कि हम कितने लेवल तक गए हैं, हम डेसिमल के 3 डिजिट तक गए हैं और वहां तक कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 जीरो बेटा इनका क्या होगा सिग्निफिकेंस होगा, इनका सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसमें 5 हो जाए, इसमें कितना हो जाएगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इस केस में देखते भाई लास्ट में है 0.02340, ठीक ये नंबर क्यों है 0.02340। तो इस केस में सिंपल सी बात है, ये क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि डेसिमल से लेफ्ट में आ रहा है। अब डेसिमल से और नॉन जीरो से पहले है, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। 2 का सिग्निफिकेंट होगा नॉन जीरो है, सीधी सी बात है, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, और इस ट्रेलिंग जीरो का भी होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रही है, ये डेसिमल की क्या आ रही है बाद आ रही है, ठीक है। तो इस केस में जैसे ये क्या थी ट्रेलिंग जीरो थी ना, डेसिमल के बाद में आती है, क्या है सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट हो जाए बेटा 4, ठीक है। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान आसान से सिग्निफिकेंट बताना, मतलब एक प्रकार से प्रीसाइज बताना कितना बारीकी से मापा गया है उसका। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। सबसे पहले इससे पहले एक आपको पढ़ना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ के बहुत ही आसान आसान से 2-3 रूल है, बस उनको ध्यान में रखना आपको। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होगा, देखो भाई देखो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, जैसे कोई नंबर की बन गई है ना, जैसे कोई नंबर की बन है 1.752, इसको राउंड ऑफ कर रहा है, 2 डिजिट में लिख रहे हैं आप, तो अब अगर देखे चलो पहले ये कर लो, ठीक है। आपको इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, देखो 1.75 भाई 5 है, 5 को हटाना है आपको, ड्रॉप करना है, ठीक है। तो 5 को ड्रॉप करोगे तो इस 7 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, इस 7 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर जो आप ड्रॉप कर रहे हो
अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो, देखो 1.75 है, इसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, राउंड ऑफ मतलब समझते हो ना, राउंड ऑफ मतलब एक उससे थोड़ा छोटा करना है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक। तो 1.75 को हम 1.8 लिख सकते हैं, कब, इसको राउंड ऑफ के बाद। तो ये जो 5 था बेटा, इस 5 को ड्रॉप कर दिया, और 5 के जो पहले वाला था उसको क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ा है, अगर ये 1.79 होता तो भी इसको क्या लिखते बेटा, 1.8, क्योंकि अगर ड्रॉप डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है, जो ड्रॉप है, देखो यहाँ पर ड्रॉप क्या है, 5 है, यहाँ पर ड्रॉप डिजिट क्या है, 2 है। अगर ड्रॉप डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो जो उसकी जो प्रीसीडिंग होगी, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उससे पहले वाली जो डिजिट होगी बेटा, उसमें 1 बढ़ा देगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 कर दिया। अगर ये नंबर, ये तो पहला रूल होगा, सिंपल सिंपल से रूल, अगर कोई नंबर है जैसे 1.73 होता, अब मेरे को इसको 2 डिजिट में लिखना बेटा, तो 1.73, तो इस केस में जो ड्रॉप करनी है वो मेरे को 3 कर रहे हैं, ड्रॉप क्या कर रहा है, 3। अब जो 3 है वो 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इस 1.73 को जस्ट 1.7 लिखा जाएगा, ठीक। तो अगर ड्रॉप डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो जो प्रीसीडिंग होगा है ना, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उससे पहले वाली डिजिट, उससे पहले वाली डिजिट होगी उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। अगर ड्रॉप डिजिट 5 या 5 से छोटी है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे था वैसे लिखा जाएगा। जैसे इसमें 1.73 को हम क्या लिखेंगे, 1.7, 1.71 है, इसको क्या लिखा जाएगा, 1.7 लिखा, ठीक। अगर 1.77 होता तो इसको क्या लिखा जाता, 1.8, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है। और एक दो रूल होंगे, एक रूल ये है भाई, देखो अगर कोई नंबर है जैसे 3.250, ठीक, 3.250, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भाई हमें 3.250 इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 4 है, और इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट में लिखना है, तो बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, 3.2 ही लिखा जाएगा, ठीक। तो हम ड्रॉप क्या कर रहे हैं, 0 और 5 को, तो 0 और 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 लेंगे, ठीक। तो ये छोटे छोटे सिलाए राउंड ऑफ के। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है भाई आपका, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 फ्रॉम 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर 5, इसमें से ये घटाना है भाई, ठीक। अब देखो बेटा, देखो इसमें कितनी डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है ना, 3.9, क्योंकि 10 रेज टू पावर 5 है उसको तो हम नहीं मानते, हम उसको डिजिट नहीं मानते ना, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते, इसमें भी कितनी है 2। अब 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो एक्चुअल नंबर कितना है, ये 5 है ना, ये हो गया, और ये 2.54 ये हो जाएगा भाई, 4 0, तो 3 0 हो जाएगी, ये करना है, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना, 0 0 0 और 10 में से 5 गए 5, यहां पर क्या बचा है भाई, 8 6 3.6, ये होगा 3.65 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ठीक। तो अब देखो भाई बात सुनो, आपको लग रहा है कि इसमें जो ये जैसे हमने एक ऑपरेशन किया है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्शन में जो जिन दो नंबरों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है, घटा हो रही है, उनमें जितना सिग्निफिकेंट है, उनमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे, इसमें होंगे आंसर में। तो इनमें कितने बेटा सिग्निफिकेंट, 2, तो इसको भी हम कितने में लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, तो इसमें जो 6.5 है इसको क्या लिखा जाएगा, 3.7।
सुन 3.6 लिखा जाए, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 5.7 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस द डेंसिटी, मास और वॉल्यूम गिवन है तो डायरेक्ट निकाल ले, तो मास गिवन है भाई, मास गिवन इसका 5.74 ग्राम और वॉल्यूम गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, 5.74 ग्राम एंड 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी क्या निकालनी है, डिजिट निकाल, सॉरी डेंसिटी निकाल। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब मास क्यों होना, वॉल्यूम क्यों होना, डेंसिटी निकाल सकते हो, लेकिन बेटा मेजर इसमें जो रिजल्ट होगा उसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मास है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 और वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 2 है, ठीक है। मास में कितनी है 3 है और वॉल्यूम में कितनी है 2 है, तो जो डेंसिटी होगा उसमें भी 2 ही होंगे, जो जिन क्वांटिटीज के बीच में डिवीजन हो रहा है उनमें से जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें होनी चाहिए रिजल्ट में। तो आप देखो तो मास और वॉल्यूम में एक ऑपरेशन लग रहा है डिवीजन का, तो मास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और वॉल्यूम में बेटा 2 है, ठीक है। तो 2 कम है तो लिस्ट किसमें है, वॉल्यूम में, और कितने 2 है, तो जो रिजल्ट होगा आपका उसमें भी कितने डिजिट होगी 2 ही होगी। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास कितना बेटा 5.74 और वॉल्यूम कितनी होगी 1.2, ठीक है, 5.74 1.2, और इसको बार करोगे तो आ रहा है 4.783, ठीक है। अब आपकी डेंसिटी आई है 4.783 केजी, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर। अब भाई इसमें देखो मास है 3, तो इस केस में भाई मास में कितनी थी 3 थी और वॉल्यूम कितनी थी 2। अब आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपने दिखाई है 4, है ना, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसको जो रिजल्ट आया है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो रही है, तो होनी चाहिए, तो भाई 4.783 आपका नंबर है, 4.783, ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो बेटा इसको अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो, तो देखो राउंड ऑफ करने के लिए 2 डिजिट में इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जो ड्रॉपिंग है वो 8 है, ड्रॉपिंग हो गया 8 है, तो 8 क्या 5 से बड़ा, तो जो इसका प्रीसीडिंग होगा जिससे पहले वाला होगा इसका हम 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर आपका रिजल्ट क्या होगा, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एक क्वेश्चन है भाई, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.78 मीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम डू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है डायमीटर है स्फीयर का, जो स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है 2.78 मीटर, ओके। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई इसकी, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.78 की जगह क्या हो जाएगी भाई, हाफ कर देंगे इसका, तो 4 और ये कितना हो जाएगा, मीटर, ठीक। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, एक स्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है 1.39 मीटर है, उसके आप क्या निकालिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा बेटा 4/3 πr³, ठीक, 4/3 πr³, तो 4/3 इज कांस्टेंट है, 4/3 इज कांस्टेंट, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं कि अनसर्टेनिटी वगैरह होगी, पाई है उसमें भी अनसर्टेनिटी नहीं होती, उसकी वैल्यू आप 3.14 फिक्स मान सकते हो, ठीक है। अब बात आई किसकी भाई, 4.3 पाई इनटू में
आर क्यूब यानी कि 1.39 इंटू 1.39 इंटू 1.39, ठीक है, और इसको मैंने पाई लिख दिया 3.14, ठीक। तो ये कैलकुलेशन आप, तो इस केस में भाई इसको सोल्व करोगे तो देखो इसमें 1.39 मीटर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितने, तीन है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तीन है। तो जो आपका रिजल्ट होगा वॉल्यूम होगी उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, तीन है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 11.3 मीटर क्यूब, ये आंसर, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा भाई, अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या करो, राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करने के बाद जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा रिजल्ट में कितना होगा, तीन होगा, ठीक। एक क्वेश्चन है आपको, कुछ नंबर की ओर है उसको राउंड ऑफ करना है आपको, एक नंबर की ओर है 0.03927 और एक नंबर की ओर है भाई 4.085 × 10⁻¹⁸ है भाई, 0.03927, ठीक। एक नंबर ये, एक मेजरमेंट ये, एक मेजरमेंट ये, तो इस मेजरमेंट में देखे और क्वेश्चन वाले ये कहे कि इनको राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट में भाई। इसमें देखे तो देखो नंबर है आपका 0.03927, ठीक। आप देखो तो इसमें कितने हैं भाई, जीरो, दैट जीरो विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, है ना भाई, ये पॉइंट से पहले आ रही, डेसिमल से पहले आ रही, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। इसके बाद रूल था कि डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जो जीरो है उनका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो इस जीरो का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या है भाई 3927, तो ये चार है, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक। इनको इनका क्या होगा सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, तीन होगी, चार होगी, ठीक है, 3927 ओके भाई, 3927 कितनी होगी, चार सिग्निफिकेंट डिजिट। क्वेश्चन वाले ने ये कहा कि इसको थ्री डिजिट में राउंड ऑफ करो, थ्री डिजिट कब होगी, जब ये सेवन हट जाए, ठीक है, तो सेवन हटेगा तो इसको आपको पता है सेवन है जो ड्रॉप डिजिट है वो पांच या पांच से बड़ी है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी मतलब उससे पहले वाली डिजिट होगी उसमें एक ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड राउंड ऑफ करने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0393 भाई। अगला है ये नंबर की ओर आपको 4.085 × 10⁸। सबसे पहले तो ये साइंटिफिक नोटेशन लिख रखा है, मतलब 10⁻² में लिख रखा है, तो जो 10⁻² है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। नंबर बच गया कितना 4.085, नंबर है आपका 4.085। अब इसमें देखे तो भाई डेसिमल से पहले क्या है, 4 है, दैट इज नॉन जीरो डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। अब इसका डेसिमल के बीच का और इसके बीच का जो है इसका भी सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि ये जो नंबर है बेटा ये 1 से बड़ा है ना, जो है ना ये जो ये रूल था कि डेसिमल से बाद में और नॉन जीरो से पहले के जो जीरोस होंगे उनका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे, दैट रूल इज फॉर नंबर लेस देन 1। मैंने लिखा भी था जो थर्ड एंड फोर्थ रूल था वो जो नंबर 1 से कम है, 0. समथिंग है, उनके लिए था। तो इस केस में ये जो जीरो होगा बेटा इसका सिग्निफिकेंस होगा, मतलब इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। तो 8 और 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, 4 होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 4 होंगे। अब इसको हमें राउंड ऑफ करके इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट डालने हैं, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा 5 को, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो इसका चेंज नहीं होगा, 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये जो 5 है, सॉरी ये 5 है, इसका इससे जो प्रीसीडिंग हुआ ये चेंज नहीं होगा, 0.4.08 × 10⁻¹⁸ ये, तो इसमें कितने होगी डिजिट, 3, ठीक ओके।